क्या आपके घर के पास सीवेज वेस्ट वाटर जमा होता है और उसके गंदे बदबूदार स्मेल से आप परेशान हैं, मच्छरों से परेशान हैं, तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो सकती है, क्योंकि मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि सोक पीट के बारे में, जिसे सीपेज पीट भी कहते हैं। तो दोस्तों, मैं हूँ सिविल इंजीनियर मुकेश शाह और आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सोक पीट क्या है। सोक पीट एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें एक टैंक बनाया जाता है ग्राउंड लेवल के नीचे, जिसमें फिल्ट्रेशन बेड दिया जाता है अग्रीगेट्स, स्टोन्स और बिग ब्लास्ट का रूप में, जिससे घरों से निकला हुआ आपका वेस्ट वाटर सोक पीट से फिल्टर होकर ग्राउंड लेवल में चला जाता है। फिर उस वाटर को बोर हैंड पंप के द्वारा रियूज किया जाता है। अब जानते हैं सोक पीट किस कंडीशन में बनाया जाता है। घर से निकलने वाले गंदे पानी नालियों से होकर फिल्टर होते हुए नदियों में जाते हैं, लेकिन ऐसी जगह जैसे कि अंडर डेवलप्ड एरिया, जहां पर कुछ ही घर बने हुए हैं, वहां पर नगर निगम के द्वारा सीवर लाइन नहीं बिछाया गया होता है, तो आपको सीवेज के पानी को घर में ही या उसके बाहर सोक पीट से फिल्टर कर ग्राउंड वाटर में ले जाना होता है। अगर सोक पिट ना बनाया जाए और डायरेक्ट पानी बहाया जाए तो वाटर लॉक की कंडीशन होगी, गंदी स्मेल आएगी, गंदगी होगी, मच्छर पनपेंगे और बहुत सारी बीमारियां फैलेगी। ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहां पे वाटर लॉगिंग जैसे सिचुएशन देखने को मिलती है। एक फेमस एरिया है, आप सबने जरूर सुना होगा, मुंबई शहर का धारावी, जहाँ पे सीपेज पानी के निकासी के लिए अभी भी कोई अरेंजमेंट नहीं किया गया है, लेकिन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को इस प्रॉब्लम की जल्द ही सॉल्यूशन करनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं कि टाइप्स ऑफ सोक पीट के बारे में। सबसे पहले ब्रिक वॉल सोक पीट, इसके लिए ग्राउंड लेवल के नीचे एक्सकवेशन किया जाता है और अकॉर्डिंग टू IS कोड 2470 पार्ट 2 1985, सीपेज पीट और सोक पीट कोई भी शेप का बना सकते हैं। जनरली सिलिंड्रिकल और क्यूबॉइडल शेप का सोक पीट देखने को मिलता है, जिसके सिलेंडर का डायामीटर 0.9 मीटर से कम नहीं होना चाहिए और 1 मीटर से कम उसका हाइट नहीं होना चाहिए। ये जो हाइट 1 मीटर है, ये आपको इनलेट पाइप के नीचे से मेंटेन करना है। ब्रिक वॉल सोक पीट को हनीकॉम ब्रिक मटेरियल से बनाया जाता है। हनीकॉम ब्रिक मटेरियल का बताऊँ तो ऐसा ब्रिक्स जिसमें गैप्स और होल्स होते हैं, ये दिखने में मधुमक्खी के छत्ते की तरह होता है। इसमें दिए गए गैप से पानी फिल्टर होकर निकलता है और ग्राउंड वाटर बेड में चला जाता है। नेक्स्ट टाइप है प्रीकास्ट सोक पीट। नेम से ही समझ में आ रहा है कि इसे पहले से तैयार करके पीट के अंदर डाला जाता है। ये प्रीकास्ट जनरली कॉन्क्रीट मटेरियल का बनाया हुआ होता है, जिसके वर्टिकल साइड्स पे होल्स होते हैं और बेस पैक होता है। इसके टॉप पोर्शन में भी होल किया जाता है इनलेट के लिए। आप इनलेट चाहे तो सेप्टिक टैंक आउटलेट से ले सकते हैं या नालियों से अटैच करके भी ले सकते हैं। इसमें टैंक के बाहर रखा जाता है फिल्ट्रेशन बेड, जिसमें बड़ा पत्थर, छोटा पत्थर, ब्रिक्स के टुकड़े रखे जाते हैं, जिससे पानी फिल्टर होके ग्राउंड वाटर बेड में चला जाता है। प्रीकास्ट कॉन्क्रीट सोक पीट के अल्टरनेटिव में आप प्लास्टिक से बने सोक पीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइप है विद सेप्टिक टैंक एक्स्ट्रा चेम्बर पीट। एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें सेप्टिक टैंक के साथ एक एक्स्ट्रा चेम्बर बनाया जाता है। इस टैंक का यूज अभी शुरू ही हुआ है। इसमें सेप्टिक टैंक के वॉल में ही 5 से 6 इंच के बहुत सारे होल किए जाते हैं, जिससे वाटर सोक पीट के चेम्बर में ही एंटर कर सके और फिल्टर होते हुए ग्राउंड वाटर में चला जाए। गाइज, अगर आपको जानना है कि आपके घर के एरिया के हिसाब से आपको कितने बड़े या छोटे साइज के सेप्टिक टैंक बनाने हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, कॉमर्शियल हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, तो इस पे मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है एज पर IS कोड। इसके साथ ही अगर आपको सेप्टिक टैंक के ड्राइंग को कैसे रीड करना है, कैसे स्टडी करना है, वो जानना है, तो उसका भी वीडियो मैंने डिटेल में बनाया हुआ है। आपको आई बटन में सबके लिंक मिल जाएंगे या आप डिस्क्रिप्शन में भी जा सकते हैं। आपको सेप्टिक टैंक का पूरा सीरीज एज पर IS कोड बनाया हुआ है, वो फ्री में मिल जाएगा।
अब बात करते हैं सोक पिट के कंस्ट्रक्शन और इंस्टॉलेशन के बारे में। सोक पिट बनाने के लिए सबसे पहले एक्सकवेशन करना होगा। एक्सकवेशन का साइज डिपेंड करेगा परकोलेशन रेट पे कि कितने टाइम में वाटर फिल्टर होके ग्राउंड में एब्जॉर्ब होता है, और यह डिपेंड करेगा सॉयल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी पे। तो एक्सकवेशन करने के बाद टैंक तैयार किया जाता है आइदर प्रीकास्टेड या ब्रिक्स से। टैंक को इस तरह बनाया जाता है कि पानी को बाहर निकालने के लिए जगह हो, और फिर फिल्ट्रेशन बेड लगाया जाता है। अगर ब्रिक से बनाया जा रहा है टैंक, तो टैंक के अंदर ही फिल्ट्रेशन बेड जैसे कि स्टोन्स, एग्रीगेट्स, ब्रिक बैट्स यूज करते हुए सेटअप को बनाया जाता है। और अगर प्रीकास्ट टैंक यूज किया जा रहा है तो 2 फीट चारों तरफ से फिल्ट्रेशन बेड लगाया जाता है। इसमें टैंक में पीवीसी पाइप के थ्रू इनलेट से वेस्ट वाटर एंटर करेगा, और टैंक में वर्टिकल पोर्शन में जो होल्स है चारों तरफ से वेस्ट वाटर वहां से निकलते हुए फिल्टर होकर चारों तरफ से ग्राउंड वाटर में चला जाएगा। तो अगर आपके एरिया में वेस्ट वाटर की निकासी के लिए अगर कोई सिस्टम बनाया नहीं गया है, तो आपको सोक पिट का अरेंजमेंट जरूर करना चाहिए। इससे आप और आपके आसपास के लोग बीमारियों और गंदगियों से दूर रहेंगे और एक हेल्दी वातावरण तैयार होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। अगर वीडियो यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी मदद मिले। और जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई सेप्टिक टैंक के पूरे सीरीज को फ्री में आप जरूर देख लीजिएगा। इससे आपको अच्छा खासा एक आइडिया हो जाएगा। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।